मित्रांनो, प्रेम कधी होऊ शकतं? वाईट वेळ सांगून येत नाही. हॅलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है. दोस्तों, अगर आप इंस्टाग्राम पर ज़्यादातर एक्टिव रहते हो तो आपने किरण शिंदे का नाम जरूर सुना होगा. किरण शिंदे यह हाल ही में सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहे हैं और अपने टैलेंट से लोगों को दीवाना बना रहे हैं. आज के इस वीडियो में किरण शिंदे किंग्समैन क्यों बने डिटेल्स में बताने वाले हैं. वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक बने रहिए और चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. तो बिना गवाए वक्त वीडियो को स्टार्ट करते हैं. ए किरण, ऐक ना. बोल ना. तुला जर कधी मुलगी झाली तर तू तिचं नाव काय ठेवशील रे? दीदी. का रे? अरे, आपल्या भारतात सगळ्यात सुरक्षित नाव येते. ज्यांनी साथ दिली त्यांचे उपकार आणि ज्यांनी साथ सोडली त्यांचे आभार. दोस्तों, किरण शिंदे यह सोशल मीडिया मिस्टर KSP इस नाम से जाने जाते हैं. किरण शिंदे ने जब सोशल मीडिया पर वीडियो बनाना स्टार्ट किया तब इनके वीडियो पर सिर्फ 10 से 15 ही व्यूज आते थे, लेकिन किरण शिंदे में आगे बढ़ने का जुनून था और ये लगन से वीडियो बनाते गए. एक दिन इनके मेहनत ने इनकी कामयाबी हासिल की और किरण शिंदे के देखते ही देखते वीडियो वायरल होने लगे. किरण शिंदे अपने दम पर कुछ नया करना चाहते थे, इसलिए इन्होंने एक कपड़े की शॉप ओपन की और उस शॉप का नाम किंग्समैन दिया. वहाँ से ही किरण शिंदे किंग्समैन बन गया. लेकिन दोस्तों, आपके मन में भी सवाल आते हैं कि आखिर किरण शिंदे ने किंग्समैन से ही अपनी जर्नी स्टार्ट क्यों की? नाव काय तुझं? रघु. काय? रघु. घेतली काय? ऑर्डर गेले. दोस्तों, किरण शिंदे एक एक दिन किंग्समैन मूवी देख रहे थे और उस मूवी से ये बहुत ज्यादा इंस्पायर हुए. किरण शिंदे को भी लग रहा था कि इसे भी इस मूवीज के किंग्समैन की तरफ बनना चाहिए और कुछ अलग करना चाहिए, इसलिए इन्होंने अपनी जर्नी किंग्समैन इस नाम से शुरू की. यही इंफॉर्मेशन आप तक शेयर करनी थी. उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. धन्यवाद.